कदला पचाला साची अवने मनावा चालो कदला पचाला साची अवने मनावा मारी गोरिये माता जी रे आई हमारे मनड़े में भाई।
Thank you.
तेरी माँ साजी रे। चार घुमट ऊंचे शिखर पर सजा तेरी माँ साजी रे। माँ बलशाली तेरा मूरत मंदिर थार विराजे। संगमरमर से पत्थर बलके पलके जो चमके सूरज आए मन निरख निरख दर्शा। हाथ जोड़ कर शीश नमावे ओ, हाथ जोड़ कर शीश नमावे। राखी चरणा माय मन निरख निरख हर्षा। सदा बरसाए मन निरख निरख हर्षा। जगमग करती तेरस आई मन रे सब रे भाई मन निरख निरख हर्षा।
1785 लिया बात है रे बड़ा है चल तो मराठा वालो राज हो जी ओ जी हो जी
नजर तो हे बीड़ो ठासी जो भी आए हो जी Thank you.
जबल वासिए सब मिलने हे मंदिर बनावा मारो जोर हो जी ओ जी हो जी विक्रम संवत ने बड़ा हे जेठ सूदी तेरस सोम वार हो जी ओ जी हो जी नगरी में होई प्रतिष्ठा मंदिर री हे लाखों तो आया नर देनार हो जी हो जी हो जी हे चावल नगरी में होई प्रतिष्ठा मंदिर री हे लाखों तो आया नर देनार हो जी ओ जी
जी। विक्रम संवत 1785 री बात है। राजस्थान रे सिरोही जिले चावल ग्राम में माताजी रा परम भक्त ठाकुर जयसिंह देव द्वारा मराठा सैनिक कर मुक्त करण रे एवज में जयसिंह देव ने ओल रे रूप में साथे ले जावे राष्ट्र में उदयपुर रियासत पड़े। दशहरे के दिन तलवार के एक ही वार से गर्दन में सरिया डाले हुए पांडे का जो वध करेगा उसे उदयपुर रियासत की तरफ से मान सम्मान दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनकर पड़ाव में ठहरे हुए जवाल ठाकुर जयसिंह देव भी उदयपुर दरबार पहुँचे। तलवार एक ही वार से पाडर वध करने वास्ते कौन तैयार है? एक ही झटके से मारने मुंह तैयार हूं। हे मां, मैं जो कुछ भी भीड़ उठायो हूं, मैं थारे भरोसे उठायो हूं। मां, तू ही मारी रक्षा कर, तू ही मारी मनोकामना पूर्ण कर। जय मां। सुन जय सिंह देव, मैं जब दरबार में सफेद चील बनन आऊं अनुमाया द्वारा प्रकट भैरू तारे शरीर में प्रवेश करने रे बाद जब मैं सफेद चिल बनन उन पाड़ा रे ऊपर से उड़ जाऊं उन समय उन पाड़ा रे तलवार सुवध कर जे थारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। हे माता, धन्य हो तुम, माता धन्य हो तुम। साचो परचो दियो मारी मनोकामना पूर्ण की। आजू माँ आप साचो परचो दियो इन सारू आप रो नाम जग में साचियाव माता जी होवेला। जय साचियाव माता जी। सुन जय सिंह देव, जवाल मारा मंदिर में शराब और बलि प्रथा आज सुबह बंद कर दी जाए, यो मारो आदेश है। जवाल ठाकुर जय सिंह देव ने उदयपुर रियासत के तरफ से पाडेरो वध करने के उपलक्ष में नगारा निशान बम्बैया ढोल वे सोने जवाहरात भेंट देते हैं, वे मराठों से ओर मुक्त कराते हैं।
धीरे धीरे समय बीतता गया। सम्मन 2050 में चामुंडा गरबा मंडल की स्थापना हुई। कार्यकर्ताओं और ग्रामीण लोगों की मेहनत से भव्य नवरात्रि कार्यक्रम होने लगे और विक्रम संवत 2057 में श्री सच्चाई माता जी का संगमरमर से भव्य मंदिर बनने का संकल्प लिया। कार्तिक सुदी आठम शनिवार 2057 के दिन जालोर पीर जी, शांतिनाथ जी, शंभुनाथ जी, अमेश्वर जी, सरिदास जी, जावाल के सानिध्य में मूर्ति उत्थापन भूमि पूजन संपन्न हुआ। मुहूर्त करने के बाद ग्रामीण वासियों को चिंता होने लगी, कारण कि माताजी के चबूतरे के नीचे चार नाल की बावड़ी है, जैसे कि पुराने लोकगीत व कथा में प्रचलित है। सारे गांववासी सच्चे मन से माताजी को याद करते हैं। हे माँ, साचियाओ माताजी, आपके नीचे की बावड़ी खिसकाने की कृपा करें, ताकि भव्य मंदिर बनवाया जा सके। गांव वालों की आराधना सुनकर साचियाओ माता प्रकट हुई और बावड़ी को खिसका दिया और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। जेठ सुदी 13/2062 को ऐतिहासिक भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। नवरात्रि के एक दिन पहले बिजली कर्मचारी छेल सिंह बिजली के करंट से चिपक कर मूर्छित हो जाते हैं। तभी लोग मिलकर माँ को पुकारते हैं और माँ प्रकट होकर छेल सिंह को नया जीवन दान देती है। माँ साची आओ माता हर भक्तों का दुख दूर करती है। जो साची आए माँ को सच्चे मन से याद करता है, माँ सबका दुख दूर कर देती है। हर रोगों का इलाज माँ के द्वार पे होता है। तो बोलो सच्चाई मात की जय।
जगा सा मैं तो बारंबार सचियाव माता जी। जवाल नगरी शेरों में अस्वा सचियाब माता जी।